रवाना हुए इंडोनेशिया के बाली के लिए। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा है क्योंकि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी इंडोनेशिया में। बिल्कुल, बहुत ही पैक्ड शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होगा जब वो इंडोनेशिया में होंगे। लगभग 45 घंटे आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में होंगे और 20 के आसपास एंगेजमेंट्स जो हैं उनकी वो शेड्यूल्ड हैं। इसमें लगभग 10 के आसपास जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ में उनकी बायलेटरल मीटिंग भी शेड्यूल है, तो समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। इसके साथ में जो पीपल्स कनेक्ट है या जो इंडियन डायस्पोरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको भी एक से संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस बार G20 समिट खास इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया आप कह सकते हैं सिंबॉलिकली भी जो हैंडओवर करेगा प्रेसिडेंसी इंडिया को, और 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी G20 समिट की, जो 2023 के अंदर जिसकी भारत मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में ये पहली बार होगा कि डेवलपिंग कंट्री जो ट्रोइका फॉर्म जो होता है, यानी कि इंडोनेशिया, इंडिया और जो ब्राजील, ये तीनों ही जो कंट्री है ट्रोइका में, ये डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, तो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज ज्यादा बुलंद होती दिखाई देगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरह से उनके ऊपर निगाहें रहेंगी कि आखिरकार जो 3 सत्र का जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो वर्किंग सेशन है, साथ ही साथ जो हेल्थ को लेकर वर्किंग सेशन है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जो वर्किंग सेशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या विजन रहता है, क्या वो बिग अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं G20 जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अरुण, जो 3 विषयों की हम बात कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर वहां पर सत्र आयोजित होंगे जिसमें सभी देश हिस्सा लेंगे और भारत भी अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो भारत, प्रधानमंत्री मोदी मोटे अनाज की वकालत करते रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को उन्होंने शुरुआत की, और साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो वो लाइफ की बात करते हैं, तो भारत की आवाज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है वहाँ पर। और दुनिया ये भी देखेगी एक कंसेंस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर कि जो इतना बड़ा देश जो है 130 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, ये किस तरह से इन बड़े चैलेंजेस को सुलझा पाया था। फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर 80 करोड़ जो भारतीय थे उनको मुफ्त में जो राशन दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर, वही दूसरी तरफ जहां रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में हम देख रहे थे ग्लोबली जो कमोडिटी प्राइसेस में काफी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, बावजूद उसके भारत अपनी जो एनर्जी प्राइसेस है उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करके रख पाया था और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अफोर्डेबल रख पाया था डिस्पाइट हाई कमोडिटी। ठीक है अरुण, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं इंडोनेशिया के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है क्योंकि G20 की अध्यक्षता